हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक कमाल के नए फीचर के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है। फिलहाल ये बीटा टेस्टर को ही रोल आउट किया गया, बीटा टेस्टर में भी कुछ यूजर को रोल आउट किया गया, बट बहुत ही कमाल का ये फीचर है। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर के बारे में। तो ये फीचर ये है कि अब आप अपने मोबाइल में लार्ज फाइल को भी सेंड कर सकते हैं किसी पे, वो भी अप टू 2 GB तक। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अपकमिंग फीचर में, अब इसको रोल आउट करना चालू कर दिया गया है। तो बहुत ही कमाल का ये फीचर है। ये टेलीग्राम में तो बहुत पहले था कि आप बहुत लार्ज फाइल भी वहां पर सेंड कर सकते थे, बट अब आपको व्हाट्सएप पे भी मिलने वाला है। तो एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको नए फीचर के बारे में बता रहा हूँ, वो भी बहुत ही कमाल का, कि अब आप अपने मोबाइल में लार्ज फाइल को भी सेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, अगर आप बीटा यूजर हैं या अगर नॉर्मल भी यूजर हैं, तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर आपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अगर आपने अपडेट नहीं कराया तो सबसे पहले आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आपको वो फीचर नहीं मिलने वाला। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के दोस्तों आप जैसे इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद मैं अपनी कोई से भी कन्वर्सेशन पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले मैंने यहां पर फाइल मैंने अभी भेज के देखा, तो आप देख सकते हैं यहां पर फाइल के साइज अगर आपको दिख रहा हो तो क्लियरली 712 MB की मैंने फाइल अपनी वीडियो को सेंड करके देखी थी, उसके नीचे 768 की और सबसे नीचे मैंने 853 MB तक की फाइल को यहां पर सेंड करा, पर पूरा सेंड नहीं करा क्योंकि यार डेटा ज्यादा खर्च हो जाएगा। बट यह है कि फाइनली सेंड होना चालू हुआ। अगर एरर होता तो पहले ही वो एरर दे देता स्क्रीन पे, भैया आप सेंड नहीं कर सकते, आपके पास लिमिट 100 MB तक की, 100 MB के ऊपर आप सेंड नहीं कर सकते। तो उसको सेंड कैसे करना है, तो आप अगर डायरेक्ट वीडियो में करेंगे तो मतलब यहां कैमरे में जाके अगर यहाँ वीडियो चूज करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसको भेजने के लिए आपको एक तरीका यूज करने का, उसके लिए आपको करना क्या है, यहां जाना है यहां पर अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे। यहां जाने के बाद आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपको यहां पर करना है 3 डॉट्स पे क्लिक। यहां पर जाने के बाद आपको अपनी कोई सी भी वीडियो को क्लिक कर लेना है। तो लाइक मैं यहां पर अपनी वीडियो में या फिर मैं अपनी जो मैंने वीडियोज बनाई हुई है मैं उसमें ले जाता हूँ। तो यहां पर आ गया हूं मैं, सॉरी यहाँ पर आ गया हूँ मैं रिसेंट में आने के बाद मैं यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में, और यहाँ मैंने वीडियोस जो अपनी वहाँ पर एक्सपोर्ट करी हुई हैं उस वीडियोस में आ गया हूँ। यहाँ पर अब मैं कर लेता हूँ शॉर्ट वाइज कि लार्ज फाइल मुझे शो हो जाए। तो लार्ज फाइल पे आ गया हूँ, तो सबसे लार्ज फाइल मेरे पास इसमें 768 MB की मेरी खुद की वीडियो बनी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा वो टाइम लेगा, पहले तो आपको सेंड के लिए पूछेगा, फिर थोड़ा सा वो टाइम लेगा और लोडिंग लेगा मीडिया की, फिर आपको बता देगा भैया हम सेंड करना तैयार हो गए। नहीं तो अगर आपको ये फीचर नहीं मिला हो, अगर आप भेज के देखेंगे तो आपको एरर दे देगा, भाई आपके पास लिमिट 100 MB की है, 100 MB के ऊपर आप नहीं सेंड कर पाएंगे। और ऐसे ही अगर मैं 2 GB से ऊपर की कोई भी फाइल यहाँ पर सेंड करने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा। मेरे पास कोई 2 GB की फाइल नहीं थी, नहीं तो मैं सेंड करके जरूर आपको दिखाता कि कैसा एरर आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, सबसे पहले तो यार ये चीज बहुत अच्छी है कि हमें कुछ शेयर करना होता था यार, अपनी पर्सनली वीडियोस हमें शेयर करनी है, पर्सनल हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सेट करना है, तो यार बहुत दिक्कत होती थी व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करने में। बट अब आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्यूशन कर दी गई है, अप टू 2 GB तक आप यहाँ पर डेटा को सेंड कर सकते हैं। जब तक ये टाइम ले रहा है आपके मोबाइल की नेट के स्पीड के हिसाब से होता है, या फिर आप वाईफाई आपने कनेक्ट कर रखा है तो उसकी स्पीड के हिसाब से काम करता है। मेरे यहाँ थोड़ा सा यार ये स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है नेट की, तो इतना टाइम ले रहा है, नहीं तो अब तक तो आपको बता देता कि भैया ये मेमोरी सेंड हो गई। और ये भी हो सकता है जितना ज्यादा आप MB का डेटा वहां पर सेंड करने की कोशिश करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये सेंड होने लगा है, आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, बट मैं सेंड नहीं करूंगा जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, 3 बड़ी MB फाइल सेंड होने में टाइम भी ज्यादा लेगा और वो चलता ही जाएगा कंटिन्यू। बट ये है कि वो यहाँ पर आ गया तो समझो सेंड हो रहा है, नहीं तो अगर नहीं जाएगा तो आपको पहले ही वहां पर एरर दे देगा। तो ये फीचर फिलहाल अभी सबको रोल आउट होना चालू हो गया है, मतलब फिलहाल सबको रोल आउट होना चालू हो गया बीटा यूजर को, आने वाले टाइम पे सबको रोल आउट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये फीचर तो मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फीचर कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।